हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतुषी जैन के चैनल पर। आज मैं आपको सूजी का चटपटा नाश्ते की रेसिपी बताऊंगी। जी हाँ, कढ़ी हंडवा जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखते हैं कढ़ी हंडवा की रेसिपी। कढ़ी और सूजी की जो हम हंडवे बनाएंगे उसकी रेसिपी देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम सूजी ली है। आप बारीक मैंने बारीक सूजी ली, आधा लीटर के आसपास कढ़ी ली है। आप चाहो तो दही भी ले सकते हो, लेकिन हम आज कढ़ी से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है कढ़ी से बनाने। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के 4 प्याज बारीक कट कर लिए हैं, 1 शिमला मिर्च, 1 टोमेटो रेड वाला, लगभग 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट किया है, थोड़े से चिली फ्रैंक्स, थोड़ा करी लीव्स को थोड़ा कट कर लिया है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ली है। हरी मिर्च की हमने पेस्ट भी ली है और थोड़ी कट करके भी डालेंगे, और थोड़ा हरा धनिया। सबसे पहले हम सूजी में कढ़ी मिला के इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। कढ़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कढ़ी पूरी इकट्ठे ना डालें, थोड़ी थोड़ी डालें और जैसे जैसे मिक्स होती जाए वैसे और डालें। आप देख सकते हैं हमारी ये पेस्ट इस तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 टीस्पून शक्कर, इसी के साथ में 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार डालें। लगभग 1 चुटकी मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर का पाउडर डालूंगी, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आ जाएगी। 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून अखा जीरा डालेंगे। इसके साथ में हमने जो वेजिटेबल्स कट करके शिमला मिर्च, टोमेटो, हरी मिर्च, लहसुन की पेस्ट, करी लीव्स, चिली फ्रैंक्स, हरा धनिया, इसमें प्याज, इन सबको इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिश्रण को लगभग 30 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। लगभग 30 मिनट हो चुके हैं इस पेस्ट को बना के। आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब मैं इसमें 1/4 खाने का सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा। अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे इसी तरीके से रखना है, गाढ़ा, ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, इस तरीके से चाहिए। अब हम गैस पे एक पैन गरम करने के लिए रखेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे। एकदम कम तेल में ये बन जाता है, फटाफट बन जाता है। और इस मिश्रण को इस पैन में डालेंगे, इसे सेंटर में डालना है। लगभग 2 चम्मच लेंगे मिश्रण, ज़्यादा फैलाना नहीं है, थोड़ा जाड़ा ही रखना है। इस मिश्रण के ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में मीडियम फ्लेम पर इसे होने देंगे। आप देख सकते हैं ये ऊपर से ऐसे हाथ को चिपक नहीं रहा है, मतलब दूसरी साइड से पक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने इसे पलट दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन। अब दूसरी साइड से भी हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। वाह, कितना बढ़िया कलर आ चुका है इसे। हमारे हंडवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी हम इसे सर्व कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों, हमारे सूजी के हंडवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है, एकदम स्पॉन्जी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।